और भोपाल से अहम खबर, जहां नाराज कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है। दिल्ली आलाकमान ने फोन पर बातचीत की है और रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई। दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे रामनिवास रावत, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार भी किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के मुकाबले सीधे हैं। मुरैना लोकसभा की टिकट को लेकर रामनिवास रावत नाराज थे, उनकी नाराजगी जाहिर थी और वहीं 25 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन अब अटकलों पर विराम लग गया क्योंकि उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। तो अहम खबर भोपाल से, जहां दिल्ली आलाकमान ने उनसे फोन पर बातचीत की है, उनकी नाराजगी जो चल रही थी उसे लेकर उन्होंने अब कहीं ना कहीं उसे हामी भर दी है, तो नाराजगी दूर हो गई है और प्रचार प्रसार में भी जुट चुके हैं वो। तो दिग्विजय सिंह प्रचार प्रसार के लिए जुटे रामनिवास रावत, इसके पहले लगातार उन्हें मनाया जा रहा था। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ आश्वासन मिला जिस तरह से नाराजगी थी? दिनेश, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। अब नाराजगी दूर हो चुकी है, क्या आश्वासन मिला है उन्हें? ये देखिए, जिस तरह से गतिरोध चला आ रहा था कि 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश आएंगे, ग्वालियर में दौरे पर रहेंगे, उस समय रामनिवास रावत जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अब इस पर गतिरोध लगा है। उन्होंने चुनाव प्रचार पर निकल चुके हैं। हाँ, जैसा कि INS 24/7 ने पहले ही कहा था कि हाईकमान जो है, कांग्रेस हाईकमान है, वो उनसे बात कर रहा है लगातार, और यही हुआ कि अब बात जो भी हुई हो उन लोगों के बीच, लेकिन अब वो पॉजिटिव जो है साइन देते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से मुरैना का टिकट हुआ उसको लेकर उनकी नाराजगी थी, वो भी मुरैना से टिकट चाहते थे, और रावत समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक है उस क्षेत्र में, तो कुल मिलाकर एक वरिष्ठ नेता है, विधायक हैं वो, और संसदीय ज्ञान रखने वाले नेता हैं, तो अब उन्होंने चुनाव प्रचार में निकले हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए चुनाव प्रचार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बहुत सीधे हैं बीजेपी की अपेक्षा, तो अब देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से चल रही थी बातें और कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विराम तो लग रहा है, 6 बार के विधायक रहे हैं और 1998 में भी एमपी के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, दिग्गज नेता रहे, सक्रिय रहे, लेकिन दिनेश आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार क्या बड़ी वजह है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार नाराज क्यों है अपनी ही पार्टी से? ये देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस, मध्य प्रदेश क्या पूरे देश की बात करें, कांग्रेस हाशिए पर है, लगातार जो नेता है उनके छोड़ते पार्टी छोड़ रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला कि बड़े दिग्गज नेता सुरेश पचौरी ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ी, वो भी मंत्री रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे, 4-4 बार राज्यसभा सांसद बनाया, अध्यक्ष बनाया प्रदेश का, उसके बाद से लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि और नेता छोड़ सकते हैं, उसमें नाराजगी के चलते रामनिवास रावत का भी नाम आ रहा था। रामनिवास रावत को कांग्रेस ने मंत्री बनाया था और विधायक भी रहे वो लगातार, विजयपुर से सिंहपुर जो जिला है उसकी विधानसभा है वहां से, और जिस तरह अब जो कांग्रेस है लगातार अपने नेताओं से संवाद कर रही है, मुझे लगता है कि यही कारण है कि रामनिवास रावत जैसे नेता जो कि सिंधिया के साथ उस समय हुआ करते थे, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस और ये भी समझना चाहेंगे दिनेश ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अभी जिस तरह से खबर सामने आई कि आलाकमान ने फोन पर बातचीत की है, तो क्या ये आलाकमान बातचीत नहीं करते अपने नेताओं से? उतनी दूरी होती और बड़ी बात मानी जाती है जिस तरह से फोन आता है और फिर बातचीत होती है, फिर ये खुश हो जाते हैं? जी देखिए, बात ये नहीं है कि आलाकमान बात करता है कि नहीं, बात क्या हो ये होती है कि प्रदेश स्तर के जो नेता होते हैं, प्रदेश स्तर के नेता बनाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, आलाकमान कई बार बात नहीं करता क्योंकि वो देखता है कि हमारा इतना वरिष्ठ नेता इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है लेकिन नहीं छोड़ेगा, तो यही कहीं ना कहीं डिफीट खाती हुई कांग्रेस दिखती है। लेकिन अब जब जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है कांग्रेस का, उसमें अब आलाकमान भी शामिल हो गया है और लगातार जो नेता कांग्रेस छोड़ने की, पार्टी छोड़ने की ये उनको भनक लग रही, तो उनसे लगातार संपर्क में रहता है जी। तो अब संपर्क शुरू हो चुका है, देखना होगा क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या करते हैं रामनिवास रावत। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो रामनिवास रावत मुरैना में कांग्रेस की टिकट
वितरण को लेकर नाराज भी चल रहे थे। हालांकि लोकसभा सीट से 2019 में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और हार भी गए थे।